वैसे पाठा क्यों? तो गाइस आज मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, आप देखें प्याज का साइज। ये ना हाथ में भी नहीं आ रही है इतनी बड़ी प्याज। अरे बाप रे, तो ये आप प्याज का साइज देख सकते हैं। और काफी टाइट है इसका छिलका भी। ये अदरक है, अदरक ये ना बहुत छोटे साइज की जो होती है ये बहुत अच्छी खुशबू वाली होती है, क्योंकि ये देसी अदरक होती है। और जो बिग साइज की अदरक आती है ना, तो उसके अंदर क्या है कि वो देखने में तो अच्छी लगती है वो, लेकिन उसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती। तो अदरक के अंदर अगर खुशबू नहीं है तो फिर बेकार है वो, उसका डालना ही बेकार है। तो मैं वही देसी अदरक ही लेकर इसमें यूज़ करती हूँ। गोश्त में तो आप अदरक देसी ही डालें, क्योंकि फिर उसके बाद ही आप गोश्त के अंदर अदरक की खुशबू को फील कर पाएंगे। और अगर आप वो सूखी हुई अदरक को क्या बोलते हैं, सौंठ, तो ये देसी अदरक है पूरी। इसके अंदर से आप इसको तोड़ेंगे तो छोटे छोटे से पीस हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद इनको छील कर आप उसको यूज़ करेंगे। तो इतना जितना कि मैंने अभी गोश्त लिया है तो उसके हिसाब से इतनी अदरक काफ़ी है, इतना बड़ा पीस काफ़ी है हमको। और प्याज मैंने ये इतनी ले रही हूँ, सिर्फ एक बिग साइज़ की और एक मीडियम साइज़ की। तो ये और लहसुन मेरे पास पेस्ट है पिसा हुआ रखा है। अदरक और प्याज मुझे उसी वक्त करना पड़ता है, क्योंकि अदरक में नहीं रखती हूँ पीस के। लहसुन हर चीज़ में मैं यूज़ करती हूँ, अदरक किसी किसी चीज़ में यूज़ करती हूँ, जो कि सिर्फ नॉनवेज बनाने के अंदर ही यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैं फिर अदरक साथ में लहसुन की नहीं रखती हूँ। और अदरक का पेस्ट बना के भी मैंने एक दो बार रखा तो उसकी खुशबू चली जाती है और वो फिर इतना अच्छा नहीं रहता। तो मैं इसलिए अदरक का पेस्ट बना के रखना छोड़ दिया है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट बना के रखती हूँ। और अदरक जब भी हमें ज़रूरत होती है। अदरक इसमें मैंने दिखाई आपको, उतनी मैंने इसमें अदरक शामिल की। और अभी ये मैं इसमें प्याज पेस्ट बनाने के लिए कट करके डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद ये ना प्याज, अगर आपको ना पतले शोरबे वाला बनाना है ना सालन, तो आप धनिया प्याज कम लें। और अगर आपने है ना गाढ़े रखना है तो फिर आप ना धनिया प्याज ज़्यादा लें। तो मैं तो यहाँ पे सब पतले शोरबे का ही गोश्त खाना पसंद करते हैं जब हम इसमें सब्ज़ी डालते हैं। तो हमारा दिल्ली में जो सब्ज़ी गोश्त, जैसे कि भिंडी गोश्त, आलू गोश्त, अरबी गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडे गोश्त, तो उसको हम पतले शोरबे में बनाते हैं। और शलजम गोश्त, पालक गोश्त हम बिल्कुल गाढ़े शोरबे में बनाते हैं, भूना भाना टाइप का, स्टू टाइप का। हाँ, बन गया है प्याज का। ये प्याज ये दही हम इसमें मिक्सर के जार में ही चला देंगे। और यहाँ रीना मुझे आवाज़ दे गई, ये बता रही है कि गर्मी बहुत है बाहर और आपके घर में तो ठंडक लगती है। तो हाँ, गर्मी तो दही फेंट ली हमने, अदरक और प्याज का पेस्ट, और साथ में हमने दही भी मिक्सर में ही एक सेकंड के लिए चला दी थी। और ये मेरा लहसुन का पेस्ट है जो मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ। ये देखें आप, तो ये लहसुन, अदरक, प्याज और दही,
इसमें है। तो इसमें हम 5 हरी इलायची शामिल कर रहे हैं और 5-6 लौंग। बस यही हमारा गरम मसाला है और हम इसमें इसके गरम मसाले के सिवा इसमें अब और कुछ नहीं शामिल करेंगे। पिसे गरम मसाले में हम ये रेड चिली पेस्ट लेंगे, हम 3 फुल स्कूप भर। हल्दी लेंगे हम 2, धनिया लेंगे हम 1 छोटा चम्मच फुल भर के, लास्ट। तो ये लहसुन अदरक प्याज लौंग इलायची धनिया मिर्ची हल्दी और नमक और दही, ये हमने सब एक साथ पेस्ट बना लिया है। और अब हम यहाँ पे ऑयल ले रहे हैं 2 चम्मच फुल भर के हमारा ऑयल है। और उसके बाद ये ऑयल गर्म होने के बाद हम ये पूरा पेस्ट एक साथ इसमें डाल देंगे। तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले के बनते ही मसाला में। अब इसको थोड़ा सा उसके बाद इसको गोश्त इसके साथ डालकर उसको फिर मैं एक विसल लगाऊंगी और उसके बाद बंद कर दूंगी क्योंकि ये जल्दी गल जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। तो ये हमारा आलू गोश्त, तो ये गोश्त देख लीजिए आप, बस ये इसमें डलना बाकी है। और फिर उसके बाद ये गोश्त हम इसमें डाल देते हैं और फिर हमारा मसाला भी यहाँ पर भुन चुका है 50%। और ये 50% भुनने के बाद जब हम गोश्त डालेंगे तो फिर एक विसल के बाद हमारा ये रेडी हो जाएगा। फिर आलू को तो गलाने के लिए इतना कुछ सोचना ही नहीं होता। तो ये मैंने गोश्त चेक करने के लिए कुकर खोला था तो गोश्त हमारा गल गया है। अभी इसमें हम ये आलू डालेंगे, ये आलू मैंने काट के रखे हुए हैं तो ये हम इसमें आलू शामिल करेंगे। और बस सिर्फ 1 चम्मच छोटा ये ब्राउन प्याज, ये ब्राउन करके क्रश करके रखी हुई है तो बस ये 1 चम्मच। और उसके बाद हम इसे मिक्स करके एक बार आलू गलने के लिए वैसे लगाएंगे। एकदम से अभी रेडी है, ये हरी मिर्चें आ गई और ये आधा नींबू का रस हम इसमें शामिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भोपाल में दही ज़्यादा खट्टी नहीं मिलती है तो इसलिए मुझे अपने सालनों में नींबू भी यूज़ करना पड़ता है दही के अलावा। तो ये देखें सर, अब हम इसको सर्व करते वक्त ये हरा धनिया यूज़ करेंगे, इसमें ऊपर से डाल देंगे गार्निश के लिए क्योंकि मैं इसको पहले भी सालन में डाल देती थी लेकिन मेरे हस्बैंड को लगता है कि वो पहले से सालन में डालने से काला हो जाता है तो इसलिए जब हम टेबल पर उसे सर्व करें तभी हरा धनिया डालें। ये आलू गोश में हरा धनिया पड़ गया, ये एकदम रेडी है। अब I'm in the middle of the ocean.